देखिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहाँ पैसेंजर छूट गया है इसलिए ट्रेन। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर से। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ और नहाया भी नहीं हूँ भाई, सच बताऊँ तो बिल्कुल मतलब नहाया नहीं हूँ। मतलब सुबह आँख खोली और मुझे पता चला कि 10-15 मिनट बाद मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है। और दोस्तों जो आज हमारी यात्रा होने वाली है ना, फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और ट्रेन का नाम मैं आपको अंदर जाके बताता हूँ। तो देखिए पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई, अंधेरा ही अंधेरा है, पीछे भी अंधेरा है। हमारा जयपुर और ये दो नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हमारी ट्रेन, आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 02 02985, दिल्ली सराय रोहिला जयपुर डबल डेकर की। जल्दी से पहले जाके इसका हम क्या लोकोमोटिव देख लेते हैं, क्योंकि यार 5 मिनट रह चुके हैं, आप गुस्सा करोगे भाई। लोकोमोटिव नहीं लगाया, सॉरी लोकोमोटिव नहीं दिखाया, तो ऐसे बता देता हूँ वैप 7 लग गया, लेकिन फिर भी आपको दिखाना ज़रूरी है भाई। ये लगा माई ट्रेन के साथ वैप 7, जो कि तुगलकाबाद शेड का है। तो चलिए अब जल्दी से बोर्ड करते हैं ट्रेन में, मात्र थोड़ा ही समय रह चुका है शेष हमारे पास। डबल डेकर नीचे भी बैठे हुए हैं एंड ऊपर भी बैठे हुए हैं, और देखिए तरह तरह की एड्स लगी हुई हैं हमारी डबल डेकर। ये एक मतलब टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन है। सो दोस्तों आज की अपनी अगर डबल डेकर की बात करें, तो ये ट्रेन हर दिन सुबह 6 बजे जयपुर जंक्शन से निकलती है 303 यानी कि 303 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 10:25 पे आपको दिल्ली सराय रोहिला पहुंचाती है। अगर स्पीड देखें तो आज की अपनी ट्रेन की जो स्पीड होने वाली है एवरेज, वो 69 किलोमीटर पर आर की होने वाली है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन 4 घंटे और 25 मिनट रहती है 303 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो आज हम दोस्तों यात्रा करने वाले हैं एसी चेयर कार में, और ये अपना कोच आज का C7। तो चलिए इंटीरियर दिखाते हैं आपको जल्दी से। दोस्तों आज की अपनी बर्थ है CL7 हमारी बर्थ है, लेके चलते हैं आपको। ये देखिए वो विंडो साइड है ओनली वन ये अच्छा हुआ। एंड अभी आपको इंटीरियर से रूबरू करवाते हैं हमारी डबल डेकर का। ये लोअर कंपार्टमेंट है, अभी आपको लेके चलते हैं इसके अपर कंपार्टमेंट में। चलिए अब इसके अपर साइड में चलते हैं इसके। ये देखिए ये सीढ़ियाँ चढ़ के ये इसका अपर कंपार्टमेंट। और अगर सीट्स की बात करें तो अपर में आपको 71 to 120 मिलेगी, एंड लोअर में आपको 7 to 54 मिलेगी। ये सीट सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हो 3x2 का मिलेगा अपर में, लोअर में भी यही है अगर आप चेयर कार में जर्नी करते हो। और भाई ये देखो ये तो कुछ बात ही अलग है, मतलब मिडल में ये आ गया लोअर अपर एंड ये आ गया मिडल। ट्रेन देख के तो काफी बढ़िया लगा यार, मैं मतलब सच बताऊं ना तो मैं पहली बार मतलब ऐसी ट्रेन में आया हूँ, मतलब अंदर से पहली बार देखी और खुशी अंदर से बहुत ज्यादा हो रही है। तो जल्दी से भाई कुछ पी लेते हैं, 3 मिनट्स लेफ्ट रह चुके हैं हमारी ट्रेन को, अमूल कूल दे देना। कितने का है? 25 वाला नहीं है, 30 वाला, सबके रेट बढ़ गए। हाँ ये लेते हैं। हॉर्न दे दिया हमारी ट्रेन ने अपने ऑन द टाइम पूरे 6 बजे, बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। ये हमारी डबल डेकर निकलती हुई एंड वो इंटरसिटी जयपुर जोधपुर इंटरसिटी, जिसमें मैंने हाल ही में यात्रा करी थी, वो निकलती हुई। यहाँ पे हम बाय बोलते हुए अपने जयपुर पिंक सिटी को, वाह। एंड धीरे धीरे देखिए सूर्य निकलता हुआ, मतलब अभी थोड़ी देर में
सनराइज हो जाएगा। एंड वाओ व्हाट अ नाइस साउंड, को एंजॉय कीजिए साउंड को, सिर्फ साउंड को। वाह, अपनी टॉवल लेकर एक्सप्रेस जयपुर में इतने पैसेंजर नहीं चढ़े जितने जयपुर गांधीनगर से चढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर जंक्शन से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉपेज पे, जो जयपुर में ही पड़ता है और जयपुर का ही मतलब एक पार्ट है, जिसको जयपुर गांधीनगर के नाम से जाना जाता है। इसका स्टेशन कोड है GADJ और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो यात्री चढ़े हैं ना, इतने यात्री भाई जयपुर से नहीं चढ़े होंगे, क्योंकि ये मतलब एक डेवलप सिटी है जयपुर गांधीनगर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हमारे इंडिया में टोटल 6 डबल डेकर एक्सप्रेस रन करती हैं। अगर उनकी बात करें तो एक चलती है हमारी दिल्ली सरायरोला जयपुर वाली, एक चलती है आनंद विहार टर्मिनल से लखनऊ के बीच, और एक चलती है अपनी अहमदाबाद से मुंबई के बीच, एक चलती है अपनी लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मडगांव के बीच, एक चलती है अपनी तिरुपति बालाजी से विशाखापट्टनम के बीच, लास्ट वाली मैं भूल गया, जो कि चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है, जो कि क्लीन है एंड वाटर टैप रनिंग में है, और मिरर मिल जाएगा सामने आपको, और यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, और यहाँ पे डस्टबिन। तो ये इंडियन स्टाइल, चलिए इंडियन स्टाइल वॉशरूम के अंदर चलते हैं। तो वॉशरूम में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे वॉश बेसन, वाटर टैप, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, मतलब कि ट्रिमिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो चार्ज मत लगाना, यहाँ पे लिक्विड सोप, और यहाँ पे एक एग्जॉस्टर टाइप का है, और बाकी कुछ खास नहीं है। इधर छोटा सा आपको मिरर मिल जाएगा, ऊपर एक लाइट है। तो वॉशरूम में कुछ खास नहीं है, लेकिन डबल डेकर में बहुत खास है। डोर मिलेगा ना, वो आपको स्लाइडिंग वाला ऐसे करके खोलना होगा। कॉफी इतनी है, कॉफी कितने ही है भाई, इन्होंने चाय नाश्ता वाला बताते हैं कैसी ये बन रही है, शुगर नहीं है इसमें। टाइम हो रहा है 7:47 और 153 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने दूसरे स्टॉपेज पे, जो अपना अलवर स्टेशन कोड AWR और अलवर जंक्शन भी है, क्योंकि यहां से एक लाइन अपनी मथुरा को जाती है ब्रांच लाइन, और मेन लाइन अपनी दिल्ली जयपुर वाली आप सभी को तो पता ही है। यहां पे हमारी ट्रेन ने हमें 5 मिनट डिले पहुँचाया है, 3 मिनट हॉल्टिंग टाइम था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता 3 मिनट रुकेगी। कुछ बात कर लेते हैं अपनी डबल डेकर की। तो इसको जो फर्स्ट टाइम चलाया गया था,
और 17 अगस्त 2012 में इसको पहली बार चलाया गया था जयपुर नई दिल्ली के लिए। और अब बात करते हैं इसमें इसमें कोच कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 13 लगे हैं चेयर कार के कोच और एक लगा है एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच। और अगर आप चेयर कार में यात्रा करते हो तो आपको पड़ेगा 500 लगा लो 500 रुपीज़। और अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में यात्रा करते हो तो आपको पड़ेगा 1200 ही लगा लो, ठीक है। तो अपना दोस्तों अलवर है, यहाँ पे आप भानगढ़ किला जो कि मोस्ट हॉरर मूवीज शूट हुई हैं अपने भानगढ़ किला में वो एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ आके। और बाला किला भी है यहाँ पे, और भी बहुत सारे फोर्ट्स हैं जो कि आप अलवर में देख सकते हो। ये एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है अपनी अलवर। और अब अगर खाने पीने की बात की जाए तो वही अगर आप अलवर में आते हो तो यहाँ का मावा और यहाँ का मिल्क केक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहाँ पैसेंजर छूट गया है इसलिए ट्रेन रुक गई हमारी चलती चलती, रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हुआ सर, चेन खींच दी, चेन ऐसी भी हुई थी क्या? देखिए देखिए प्लेटफॉर्म। ये आ रही है अपनी जोधपुर बीकानेर स्पेशल। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मतलब कि पीछे मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी एंड आपको भी दिखाऊंगा। सो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के आपको समझ आ गया होगा अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया की दुबई में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी ट्रेन के तीसरे स्टॉपेज गुड़गांव, मतलब इस सिटी को इंडिया की दुबई कहते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड बिजनेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रो हो रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप सिटी है तो इसलिए इसको दुबई भी कहते हैं। और इसका स्टेशन कोड है 00N। और दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेज था लेकिन 10 मिनट बिफोर पहुँचाया हमारी ट्रेन ने हमें गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे। और अभी हम हरियाणा में हैं इस टाइम
और इसके बाद एक और स्टॉपेज आएगा जो आएगा अपना दिल्ली कैंट, उसके बाद माई ट्रेन अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो तीन प्लेटफॉर्म का ये छोटा सा स्टेशन है गुड़गांव, लेकिन गुड़गांव सिटी बहुत बड़ी है, बट ये इम्पोर्टेंट स्टेशन है दिल्ली जयपुर लाइन का। और अब थोड़ी मतलब पीछे जाते हैं, एनिशेंट पुरानी काल में जाते हैं, महाभारत काल में जाते हैं। इसका नाम गुरु दक्षिणा था, मतलब कि पांडवाज ने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में दिया था गुड़गांव, समझ रहे हो ना। पुराना मतलब अभी तो मतलब इसका नाम गुरुग्राम से भी गुड़गांव कर दिया है चेंज, मतलब पहले गुरुग्राम था लेकिन मंगलवार की बैठक को चेंज कर दिया, मतलब इतनी बार इसका नाम चेंज हो चुका है अपने। तो अभी दिखाते हैं आपको गुड़गांव से डबल डेकर का। बाकी मैं आपको डबल डेकर के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, जैसे आप इसमें एंटर करते हो ना तो यहाँ पे आपको पूरा मतलब मैप दिख जाएगा कि आपकी सीट कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे आप देख के फिर ही अंदर प्रवेश करिए। बाकी ये साइड फिलिंग, यहाँ से इसको फिल डिफिल किया जाता है, लिफ्ट हेयर। हाँ जी हाँ जी, ये अपना लिफ्ट हेयर यहाँ से। हाँ बाबा मोटो का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम इसमें बैठे हो दिल्ली डबल डेकर में? मैं तो फर्स्ट टाइम, मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आया हूँ। डिपार्ट कर चुकी है 9:38 में गुड़गांव से, जो कि इसका थर्ड स्टॉपेज था। जयपुर से 293 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम और हमारी ट्रेन डबल डेकर पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टॉपेज पे, जो अपना दिल्ली कंटोनमेंट, जिसका स्टेशन कोड है DEC। और क्या बढ़िया लग रहा है भाई, देखो धूप पूरी हो चुकी है एंड ये अपना दिल्ली। और ये अपना दिल्ली है, ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जो कि दिल्ली एंड सिटी में आता है। और अभी हम लास्ट स्टॉपे मतलब थोड़ी देर में पहुँचने वाली अपनी ट्रेन लास्ट स्टॉपेज पे, जो अपना दिल्ली सराय रोहिला। अभी देखते हैं ऊपर से कैसा मजा आता है, आपको ऊपर के शॉट्स दिखाते हैं थोड़े बहुत। ऊपर से व्यू देखो कितना ऊंचा दिखता है, देखो नीचे देखो भाई, ये इसका अपर कंपार्टमेंट। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 10:17, यानी कि 8 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे, जो अपना दिल्ली सराय रोहिल्ला। बाय बाय, आप बैठो यहाँ पे, ठीक है बाय। तो ये थी हमारी आज की डबल डेकर एक्सप्रेस की जर्नी एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। सो इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। ये जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलेंगे आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड इंस्टाग्राम पे ऐड भी कर लो अपने भाई को। सो मिलेंगे आपको सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।